once again Khushbakti Zindagi ki welcoming you all in my channel. Friends, आजकल तो पूरा विश्व में जो तनाव है हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ शरीर पे नहीं, हमारे चेहरे पे भी दिखने लगा है। महिलाओं का एक तो कारण शहरों वाली होगा तो ये पार्लर्स बंद हैं, और उसके अलावा भी तनाव तो है। इसके कारण बहुत से लोगों से फोन पे भी बात होती है, तो जब वीडियो कॉल भी चेहरे देखते हैं, घर में भी देखते हैं, चेहरों पे कईयों के चेहरों पे छाइयां पड़ गई, पिगमेंटेशन हो गई और चेहरे बहुत ऐसे लगने लग रहे हैं कि क्यों हो गया ऐसा। तो एक घरेलू कईयों ने पूछा भी, अचानक याद आया माँ दादी से सीखा हुआ एक पुराना नुस्खा। फ्रेंड्स, अगले कुछ मिनट में आपको बताती हूँ कि किस तरह घर में उपलब्ध चीजों से ही हम एक पेस्ट बनाए और अपने चेहरे पे लगाए, तो उससे हमें ये जो हमेशा रामबाण इलाज हमेशा के लिए चेहरे पे पड़ी हुई छाइयों से मुक्ति मिल जाएगी, चेहरा चमकने लगेगा, सिर्फ छाइयां ही नहीं हटेगी, इसके अलावा चेहरे पे ग्लो भी आएगा। प्लीज पैर को पहली बार इस तरह का प्रयास देखिए और जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा, और कुछ दिन लगाने के बाद इसका क्या असर होता है वो भी शेयर कीजिएगा। देखते रहिए। फ्रेंड्स, आज के इस तनाव के दौर में अधिकतर और स्पेशली जो लोग शहरों में जॉब करते हैं और ऊपर से इस महामारी के कारण सबके घरों में काफ़ी तनाव है, खान पान भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो लोगों के चेहरों पे काले धब्बे यानी पिगमेंटेशन हो रहे हैं। उससे बचने के लिए आप एक पेस्ट बनाएं, तुरंत आपको उससे आराम मिलेगा। हमें क्या करना है, रात को बादाम भिगो देने हैं और उड़द की दाल भिगो देनी है और सुबह तक इंतजार करना है। ये भिगो के छोड़ दीजिए, सुबह उठते ही आप क्या कीजिए, एक बर्तन में 2 चम्मच दूध, थोड़ी सी उड़द दाल और 5 पीस बादाम ये डालिए। हमने क्या डाला, दूध, बादाम और उड़द की दाल। अब इसे हम एक मिक्सी में अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हो गया हमारा पेस्ट तैयार। अब इसे क्या करना है, अपने पूरे चेहरे पे, धुला हुआ साफ तो रहता है ये चेहरा, आप अच्छी तरह ऐसे ऐसे पूरे अच्छे तरह से पूरे चेहरे पे, गर्दन में, आंख के आज बस आंख को बचा के जितने भी मैक्सिमम पूरा चेहरा गर्दन कवर कर लीजिए और फिर इसे सूखने लीजिए 10-15 मिनट बाद। आप तब तक और कुछ काम भी कर सकते हैं और समय है तो पेपर वगैरह पढ़िए। जब ये सूख जाए आप इसे ठंडे गुनगुने पानी से, या ठंडे पानी से भी धो सकते हैं, गुनगुने पानी से चेहरे को धो दीजिए। बस याद रखना होगा तुरंत फिर कोई साबुन या और कोई कुछ चेहरे पे नहीं लगाना है, आपको कुछ ही नहीं लगाइए, चेहरा एकदम ग्लो करेगा। आपको चेहरे की जो धाग पड़ गए हैं, जो पिगमेंटेशन है, वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे और चेहरा चमकने लगेगा। फ्रेंड्स, नया चैनल है, मैं चाहूँगी आपको ये इसका असर कितना होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी बोलिए सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो कैसा लगता है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए अनमोल है। थैंक यू, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग।